लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गुना में हुई मजदूरों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार मध्य प्रदेश के मजदूर या जो मजदूर मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं उनकी मौत हो रही है। सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ की राहत राशि शिवराज सरकार को देनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पत्र लिखा है। उन्होंने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के कोरोना काल में गायब होने पर कहा कि यह भोपाल की जनता का दुर्भाग्य है। जब सांसद को जनता की मदद के लिए आगे आना था तब वो गायब है, और जो दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे वो लगातार जनता की मदद के लिए मैदान में है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज को मंत्रालय से बाहर निकलकर लोगों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज क्यों मंत्रालय से बाहर नहीं आ रहे हैं? शिवराज जी तो कहते हैं कि कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं है, जब खतरनाक नहीं है तो फिर क्यों लॉकडाउन जारी है, उसे हटा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बहुत ही आश्चर्यजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो मध्य प्रदेश के मजदूरों की रेल से कट के या जो पैदल चल के आ रहे हैं अपने अपने घरों पे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के हैं उनकी जान जा रही है, या मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के जो लोग यहाँ से बाईपास हो रहे हैं जा रहे हैं अपने अपने घर, चाहे उत्तर प्रदेश जाएँ या बिहार जाएँ, उनकी सड़क दुर्घटनाओं में या पैदल चल के या जिससे उससे भी जा रहे हैं वो वाहन से, उनकी जान ज़्यादा जा रही है। मैं उन सबको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और क्योंकि मध्य प्रदेश की पेरीफेरी में हुई है इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार 1-1 करोड़ रुपए इन सब मजदूरों को दे जिनकी जान गई। जब इतने लाख करोड़ों का पैकेज दे दिया है तो इनको 1-1 करोड़ देने में क्या दिक्कत है, जिससे ये लोगों में जो एक दहशत बनी हुई है वो दहशत समाप्त हो। और दूसरा, एक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सर्दी जुकाम है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें फ्री करो, लॉकडाउन ख़त्म करो, लोगों को जाने दो। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 4,414 संक्रमण लोगों में कोरोना का कैसे हुआ और 235 लोगों की मौत कैसे हुई है? और अगर सर्दी जुकाम है तो जो प्रधानमंत्री का कहना है कि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, और हमको संविदा राजभवन मंत्रालय से निकल के बाहर आ जाना चाहिए और लोगों की मदद बीच में जाके करना चाहिए। घूमें सभी जगह, वार्डों के अंदर, अस्पतालों के अंदर। और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि मंत्रालय से निकल के बाहर आइए, देखिए वस्तु स्थिति क्या है, और ये देखना चाहिए शासन को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।